गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में देखो तीन पानी में चलने वाली चीजों की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये है क्रोकोडाइल एनिमल सिमुलेशन शिप, आप इसे क्रोकोडाइल बोट भी बोल सकते हो। ये पानी में पूरी तरीके से कमाल तरीके से तैर सकती है। ये है होवर रेसर बोट, बड़ा ही कमाल की चीज है गाइस। इसको आप एम्फीबियस भी बोल सकते हो, आप इसे चाहे तो पानी में भी चला सकते हो या फिर जमीन पर भी चला सकते हो। तीसरी वाली चीज, इसको बोलते हैं मिनी एक्वाजेट मशीन या फिर मिनी एक्वाजेट एम्फीबियस, आप इसे कार भी बोल सकते हो क्योंकि ये दिखने में कार की जैसी दिखती है। जमीन पे भी चला सकते हो और इसे पानी पे भी दौड़ा सकते हो। चलो गाइस, फटाफट से तीनों को करते हैं अनबॉक्स और करते हैं तीनों की टेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को एक मिनी शॉपिंग बैग दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। चलो गाइस, फटाफट से बॉक्स को जो है मैं यहां से ओपन कर लेता हूं, फिर बताता हूं आपको मैं ये किस तरह से दोनों जगह पर चल सकती है। मेरे को ये जो चीज है ना भाई, बड़ी ऑसम लगती है। ये देखो यार, देखने में एक छोटी आरसी कार जैसी दिखाई देती है, पर गाइस इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक सिस्टम दिया हुआ है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो इसके व्हील जो है इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं, बोट से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से तैर सकती है। पीछे की तरफ यहां पर दो प्रोपेलर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इसकी बॉडी की क्वालिटी देखो यार, बहुत ही ज्यादा मजबूत है भाई साहब। इसको आप कहीं पर भी टकराओ, टूटेगी फूटेगी बिल्कुल भी नहीं है। एक दिक्कत इसके अंदर मेरे को लगती है कि गाइस इसके अंदर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, बैटरी जो है हम लोगों को यहां पर डालना पड़ता है। तो फिलहाल इसको मैं रखता हूं साइड में। और देखो इसके साथ ये वाला रिमोट मिलता है, रिमोट की भी क्वालिटी देखो क्या ही तगड़ी बना रखी है। यहां पर एग्जॉस्ट बोल के है, यहां पर दो बटन मिल जाते हैं इसके व्हील्स अंदर और बाहर करने के लिए। यहां पर है इसके जॉयस्टिक्स की भी क्वालिटी देखो, बड़ी ऑसम है देखने में यार, ऐसा लगता है कि कोई वीडियो गेम का कंसोल है ये। तो अगली चीज मैं आपको अनबॉक्स करके बताता हूं, ये भी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है, एग्जॉस्ट की तरफ से आ जाती है। चलो फटाफट से इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं यहां से। अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका भी बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ये देखो यार, ये एक बड़ा ही कमाल का होवरबोर्ड है। पीछे की तरफ इसको पावर देने के लिए दो बड़े-बड़े प्रोपेलर यहां पर लगाए गए हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर भी एक प्रोपेलर है। ये जो प्रोपेलर है नीचे की तरफ ये देख रहे हो गाइस, ये एक फ्लेक्सिबल रबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर एयर भरता है, इस वजह से ये ग्लाइड करने लगता है जमीन पर और पानी के ऊपर। और ये जो प्रोपेलर्स है इसको पावर देकर आगे की तरफ धक्का देती है। देखने में इसका डिजाइन देखो यार, क्या ही फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है। मेरे को ये चीज भी जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखती है गाइस। पानी में चलाकर मैं आपको बताऊंगा, देखना गाइस आपको कितना ज्यादा मजा आएगा। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट देखो यार कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है। ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट है, इधर इसके जॉयस्टिक्स है, यहाँ पर ऑफ स्विच है। पीछे की तरफ बहुत सारी बैटरीज डालनी पड़ती है, तकरीबन 8 बैटरीज इसके अंदर डल जाती है, क्योंकि यार ये जो होवरबोर्ड है इसको हम लोगों को इससे ही डायरेक्ट चार्ज करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से, यहां पे देख रहे हो ये है इसकी चार्जिंग पिन। ये रही दोस्तों अपनी सबसे फाइनल चीज और सबसे ज्यादा डेंजरस चीज, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल एनिमल सिमुलेशन शिप। इसको यूज करके हम लोग किसी के भी साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही डेंजरस वाले प्रैंक्स कर सकते हैं। फटाफट से इसको मैं निकाल लेता हूं यहां से। सबसे ऊपर हम लोगों को मिलती है इसकी यूजर गाइड, ये तो मैंने पढ़ लिया है ऑलरेडी। यहां पर है अपनी सिमुलेशन क्रोकोडाइल डिजाइन, देखो यार ये क्रोकोडाइल तो लग नहीं रही है मेरे को, ये एक घड़ियाल लग रहा है यार मेरे को, यानी कि केमन जैसा लग रहा है। देख सकते हो क्रोकोडाइल का मुंह जो है बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, इसका देखो यार ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा पतला है, तो ये घड़ियाल जैसा ही मेरे को लग रहा है गाइस। इसको बहुत ही ज्यादा कंपोजिट प्लास्टिक से बनाया गया है। फिलहाल इसको मैं रखता हूं साइड में। यहां पर है इसका चार्जर, आपको देखो गाइस इस तरह की बैटरी आती है, बहुत ही हल्की फुल्की लायन बैटरी है, 3.7 वोल्ट की 400 mAh बैटरी जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी से चार्ज भी हो जाती है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोलर के अंदर भी दिक्कत है गाइस, देखो कितना ज्यादा छोटा रिमोट कंट्रोल दे रखा है इन लोगों ने। दोस्तों यहां पर अगर मैं आपको तीनों का साइज कंपेयर करके बताऊं तो क्लियरली देख सकते हो क्रोकोडाइल है ना यार, इन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज के है। उसके बाद जो है अपनी मिनी एग्जॉस्ट एक्वाजेट मशीन आ जाती है, ये बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है इन दोनों से भी। उसके बाद आ जाती है ये वाला होवरबोर्ड, ये तो बहुत ही ज्यादा हल्का है यार, क्योंकि इसको पूरी तरीके से एयर से पावर लेकर चलना होता है, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का बनाया गया है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, तालाब में देखते हैं आज तीनों में से कौन जीता। लेट्स गो एंड फाइट।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होवरबोर्ड किस तरह से काम करता है। इसके नीचे की तरफ देखो यार, यहाँ पर बहुत सारे होल्स दिए हुए हैं। इसके अंदर से एयर बाहर आती है। एयर जो है ये बीच का प्रोपेलर क्रिएट करता है। यहाँ पर पीछे और दो प्रोपेलर है। इस तरफ की जॉयस्टिक में प्रेस करूंगा तो ये प्रोपेलर घूमने लगेगा, इस तरफ की जॉयस्टिक प्रेस करूंगा तो ये वाला प्रोपेलर घूमने लगेगा। तो फटाफट से देखो यार, मैं तालाब के पास आ चुका हूँ। ओ भाई, अचानक से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बरसात भी चालू हो चुकी है। अपना जो होवरबोर्ड है बड़ा ही कमाल से चल सकता है। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर भाई ये फ्लोट करने लगा है। और 360 डिग्री तो बहुत ज्यादा स्पीड से घूम सकता है। इसकी स्पीड भी जो है बहुत ही अच्छी खासी लग रही है मेरे को। आप इसे जिस डायरेक्शन में चाहो वो डायरेक्शन में बड़े ही कमाल तरीके से चला सकते हो। इसकी रेंज भी जो है बहुत ही ज्यादा दी गई है गाइस। अभी टेस्ट करेंगे मिनी एक्वाजेट मशीन को, देख सकते हो अभी ये व्हील्स के ऊपर खड़ी है। अभी मैं इसको सीधा तालाब के अंदर जंप करा चुका हूं। अभी देखो यार, थोड़ा सा आगे लेके जाकर इसके व्हील्स मैंने फोल्ड कर दिए। बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से इसके व्हील्स फोल्ड हो जाते हैं। देखो यार, अभी आपको यहां पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही साइलेंट तरीके से ये ऑपरेट करती है। देख रहे हो, इसके भी कंट्रोल बड़े ही मस्त दिए गए। पर एक दिक्कत लगती है यार इसके अंदर मेरे को, इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी कम लगती है। देखो वापस से मैंने व्हील्स ओपन कर दिए। अभी मैं थोड़ा सा किराने के पास इसको लेके आने वाला हूँ। देखते हैं किनारे पर ये चढ़ पाती है, यानी यहाँ पर ये फंस चुकी है। अभी टेस्ट करते हैं अपनी आरसी क्रोकोडाइल को। इसको आप एकदम रफ एंड टफ तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। और इसको मैंने इतनी ऊपर से पानी के अंदर फेंक दिया। ये भी जो क्रोकोडाइल है इसकी कंट्रोलिंग काफी ज्यादा ऑसम है। रिमोट के अंदर थोड़ा सा दिक्कत मेरे को लगती है गाइस, थोड़ा सा बड़ा रिमोट ये लोगों को देना चाहिए था। देख सकते हो ये भी जो क्रोकोडाइल है 360 डिग्री घूम सकती है। डुअल प्रोपेलर होने के कारण इसको चलाना बहुत ही ज्यादा इजी है और देखने में भी ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है। अगर दूर से कोई इसको देख लेना गाइस, उसको ऐसा लगेगा कि सच में यहां पर एक क्रोकोडाइल तैर रही है भाई साहब। ओके दोस्तों, अभी रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं होवरबोर्ड जीती है या फिर मिनी एक्वाजेट मशीन जीती है। यहाँ पे दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है गाइस। इतनी होवरबोर्ड कुछ ज्यादा ही हल्की फुल्की होने के कारण इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ज्यादातर देखो यार एक ही तरफ मुड़ रही है। तो वापस से मैं इसको किसी तरह से आगे लेके आ चुका हूँ। देख सकते हो इसकी स्पीड एक्वाजेट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दी गई है। एक टर्न भी लेकर ये मेरे पास आ चुकी है। मिनी एक्वाजेट मशीन देखो यार उतनी दूर रह गई अभी भी। तो भाई क्लियरली रेस में अपनी होवरबोर्ड जीत चुकी है। अभी रेस कराएंगे इन दोनों के बीच में, देखते हैं गाइस होवरबोर्ड क्रोकोडाइल को हरा पाती है। यानी रेस यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है। क्रोकोडाइल थोड़ा सा आगे निकल चुकी है, होवरबोर्ड इसको क्रॉस कर पाती है। यानी यार यहां पे देख सकते हो क्रोकोडाइल इससे काफी ज्यादा स्पीड निकली भाई साहब। क्रोकोडाइल की स्पीड तो देखो कितनी ज्यादा दी गई है। तो क्लियरली इस रेस के अंदर क्रोकोडाइल जीत चुकी है और होवरबोर्ड हार चुकी है दोस्तों। ओके गाइस, अभी कराएंगे दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, वो भी पानी के अंदर। देख सकते हो दोनों को स्टार्ट में नहीं कर दिया, दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी है। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है गाइस, क्रोकोडाइल जो है होवरबोर्ड के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल भी है और काफी ज्यादा स्पीड भी है, चल सकती है। इसने तो ऑलमोस्ट होवरबोर्ड को डुबा के रख दिया है भाई साहब। अभी इसको एक घसीट के लेके जा रही है। क्लियरली पावर में भी जीत चुकी है क्रोकोडाइल। ओके गाइस, होवरबोर्ड को तो मैंने पानी के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया है। अभी इसको रोड पर मैं आपको चला के बताता हूँ। यहाँ पर देखो अचानक से बहुत ज्यादा बरसात भी होने लगी है और अचानक से अंधेरा भी हो चुका है। ये रोड है गाइस, आप देख सकते हो इसको मैं रोड के ऊपर चला रहा हूँ। तो इतनी ज्यादा बरसात में भी देखो यार अपना जो होवरबोर्ड है बड़ा ही कमाल से रोड के ऊपर एकदम स्लाइड करता हुआ जा रहा है। अभी देखो सेम रोड पर मैं मिनी एक्वाजेट मशीन को भी टेस्ट कर रहा हूँ। ये भी जो है बिल्कुल एक आरसी कार की तरह आप ऑफ रोड में भी चला सकते हो, रोड पर भी चला सकते हो। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। ओके, इन दोनों में से देखते हैं गाइस कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराएंगे। यहाँ पर देखो यार होवरबोर्ड बहुत ही ज्यादा हल्का होने के कारण मिनी एक्वाजेट मशीन ने इसको काफी आसानी से हरा के रख दिया है पावर के मामले में। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको तीनों में से क्रोकोडाइल पसंद आई या फिर होवरबोर्ड पसंद आई या फिर अपनी मिनी एक्वाजेट मशीन पसंद आई, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। तो आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है तुषार, दीपांकर, एकमजोत, हार्दिक, मानस, उमेश, गुरफतेह सिंह, शौर्य, अरफत, बलविंदर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।